अब ये शर्माना का मतलब क्या है, इसके अंदर तीन लेवल होते हैं, तीन लेवल। सबसे कम दर्जे का हया ये है कि कोई लोगों के सामने शर्माए। मिसाल के तौर पर आप देखोगे कि कोई शख्स कचरा फेंकने जा रहा है, लेकिन कचरा फेंकने से पहले देखता, कोई देख तो नहीं रहा और फिर फेंकता है। हाँ, या कोई, कुछ लोग होते हैं पान खाते हैं, पान खाना बहुत बुरी बात, हाँ, क्योंकि तंबाकू वगैरह ये सब चीज़ों से कैंसर होता है, ये बुरी चीज़ है। पान खाते हैं, फिर मुंह में उनकी स्पिट होती है और वो कहीं पर स्पिट करना है उनको, तो देखते कोई देख रहा नहीं है, फिर जाके कहीं पर स्पिट करते हैं। तो मुझे ये बताओ, या फिर मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको मस्ती करनी है, और जब अम्मी अब्बा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो फिर वो बच्चे अलग ही बच्चे हो जाते हैं, देखा है आपने। तो मुझे आप सब क्या ये बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि लोग लोगों के सामने अलग होते हैं, और जब कोई देख रहा है तो अलग होते हैं, और जब कोई नहीं देख रहा है तो अलग होते हैं, ये क्या है? हया, मतलब वो शर्माते हैं कि मैं किसी के सामने कचरा फेंकूंगा, हाँ, तो कोई देख के क्या सोचेगा। या मान लो कि जैसे कि कोई बड़े हैं, बड़ों के सामने मैं अगर मस्ती करूंगा तो बड़े मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, तो शर्माते हैं ना थोड़ा, तो इसी वजह से नहीं करते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसा जो होता है ये लोगों से हया करना है, ये सबसे कम दर्जा है कि कोई लोगों के सामने हया करे। हालांकि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्यों मालूम है? क्योंकि एक इंसान को कम से कम वो गुनाहों से रोक रहा है, ये लेकिन कम दर्जा है, इससे ऊपर के दर्जे हैं, हमें वहां तक जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि कम से कम एक इंसान शर्म कर रहा है, और शर्म की वजह से कितने सारे गुनाहों से बचेगा, कितने सारे गुनाहों से वो बचेगा, क्योंकि उसको शर्म आ रही है, लोगों के सामने ऐसे बेशर्म बन के नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा लम तस्तही फसनामा शीत, अगर तुम हया नहीं कर रहे हो तो जो करना कर लो। मतलब हया नहीं है कोई इंसान में ना, तो वो कुछ भी कर देगा, लोगों के सामने जाके कुछ भी गुनाह का काम कर लेगा। लेकिन अगर उसमें हया है तो वो हया उसे रोकती है, मत करो। क्या चीज रोकती है? हया। वो जो हया है, शर्म है एक इंसान में, वो क्या करती है उसे रोकती है, मत करो। हाँ, तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? जो चीज रोक रही है वो अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज है, हाँ, उसे रोक रही है। लेकिन हमारे अंदर हया इससे ऊपर के लेवल की भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे कम दर्जा क्या है कि लोगों के सामने हम हया करें, शर्म करें, तो ये एक अच्छी चीज है। इससे ऊपर का दर्जा है कि आदमी खुद से शर्म करे। मतलब कैसा? कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके अंदर वो एक आवाज़ होती है जो कहेगी, अरे तुमने गलत किए, अरे तुमने गलत किए। हाँ, पता है आपको, नफ्सुल लवामा मतलब मलामत करने वाला नफ्स, जो कहते हैं यूसुफ ये नहीं करो, हाँ सुफियान ऐसे मत करो, तो वो जो अंदर मलामत करने वाला नफ्स है, मतलब कर लिए तो अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो मेरे बच्चों ये क्या है? ये एक खुद से हया करना, कि एक इंसान कोई गुनाह नहीं करना चाह रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं कचरा रस्ते में फेंक सकता हूँ, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फेंकूंगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि कल जाके गटर ब्लॉक हो जाते हैं। मालूम है पानी फ्लड क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कचरा नाले में फेंकते हैं, वो नाला जैम हो जाता है, जैमिंग की वजह से फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग की वजह से कोई इंसान डूब जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी के घर में पानी घुस जाता है, क्योंकि लोग कचरा फेंक रहे हैं वहाँ। तो अब उसे शर्म आ रही है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी कोई चीज़ है, मतलब मान लो कि सुफियान की पेंसिल है, हाँ ये वाइट वाली बहुत अच्छी लग रही है यूसुफ को, और यूसुफ कोई नहीं दिख रहा है अगर, हाँ, लेकिन आप क्या इसकी पेंसिल ले लोगे सुफियान की? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपके अंदर एक हया होगी, और हया के अलावा गुनाहों से रोकने वाली एक और चीज़ है तकवा, तकवा परहेजगारी, कि अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन हया क्या है कि एक इंसान में एक शर्म होती है जो इंसान को कहती है नहीं करो ऐसा, सुफियान ऐसा मत करो, उसकी पेंसिल मत लो। हाँ, या अब आईना कह रही बुशरा की कोई चीज है, हाँ इसकी कोई चीज है, मिसाल दो, रबर, हाँ कोई भी चीज है, आपका शार्पनर है, हाँ या इनका इरेजर पड़ा है यहाँ पर, और आप अगर वो नहीं देख रहे हैं फिर आप लोगे? क्यों? कोई चीज आपको रोक रही है। अच्छा, कोई नहीं दिख रहा है तभी, ऐसे भी कोई नहीं दिख रहा है तभी लेंगे? हाँ, कोई नहीं दिख रहा है तो ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे एक और चीज है, अपने आप से हया करना, शर्म करना। सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया ला याती इल्ला बि खैर, हया से नहीं आता सिवाय खैर के, हया से नहीं आता सिवाय खैर, अच्छी चीज ही आती है।
तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे जो कलर्स ऑफ इस्लाम देख रहे हैं, और आप सब बच्चे और बल्कि सारे बच्चों को अपने अंदर कोशिश करना चाहिए कि क्या रखे, हया, शर्म। हाँ, वो शर्म होनी चाहिए। तो हमने दो लेवल देखे। सबसे कम लेवल क्या है? दूसरों से शर्म करना, कि कोई नहीं देख रहा है तो मैं इरेजर नहीं लूंगा, कि कोई देख लेगा मुझे लेते हुए कि मैं बुशरा का इरेजर मैंने ले लिया। हाँ, कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा कि अंकल इतने बड़े अंकल होकर बुशरा के इरेजर को ले रहे हैं? तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है ना। और कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? हाँ, तो मुझे कोई भी देख रहा है तो फिर नहीं लूंगा मैं। अब कोई नहीं देख रहा है तो ले सकते हैं? नहीं। तो एक हया का लेवल होता है जो एक इंसान खुद से अपने आप से हया कर रहा है कि मैं बुशरा का इरेजर ले लूंगा, बेचारी बच्ची उसके पास इरेजर नहीं होगा, उसका शार्पनर भी मैंने ले लिया, वो शार्पनिंग कैसे करेगी, उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? और उसको प्रॉब्लम नहीं भी हो तो ये मेरी चीज थोड़ी है, ये तो उसकी चीज है ना, मेरा हक थोड़ी है इसके ऊपर, मेरा हक नहीं है ना, ये गलत चीज है कि नहीं, ये मैं किसी और की चीज ले लूं? हाँ, तो अगर मैं ले लूं तो फिर मेरे अंदर मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये हया है। एक इंसान शर्म कर रहा है अपने आप से कि मैं अपने आप को क्या बताऊंगा। हाँ, तो आपको बताइए कि लोगों से हया करना चाहिए या अपने आप से हया करना चाहिए? दोनों। सही जवाब दे रहे हैं आप। हाँ, किससे हया करना चाहिए? दोनों से। लोगों से भी हया करिए, अपने आप से भी हया करिए, लेकिन टॉप लेवल हया का क्या है आपको पता है? खुद से करना। खुद से हया नहीं, एक उससे ऊपर का भी लेवल है, और वो है अल्लाह से शर्म करना। वो है हया करना अल्लाह से, कि कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, सब चीज देख रहे हैं। अलम या अलम बि अन्न अल्लाह यरा, क्या उसे पता नहीं है कि अल्लाह उसे देख रहा है? अल्लाह ताला उसे देख रहा है, आपको हर चीज देख रहा है। हाँ। अंधेरे में भी? हाँ। और कोई नहीं हो तभी भी? हाँ। और पब्लिक में सब लोग हैं तभी भी? हाँ। हाँ? और कोई पहाड़ के ऊपर? हाँ। और टेबल के नीचे? हाँ। और छुप कर करें तो? हाँ। हर जगह पे अल्लाह देख रहा है। हाँ। बराबर से सोच के जवाब दो, हर जगह? हाँ, हर जगह। हाँ, हाँ, हाँ? हाँ। बिल्कुल सही जवाब, हर जगह पर अल्लाह ताला देख रहा है। तो अल्लाह से शर्म करना, अल्लाह ताला से शर्म करना कि कोई गुनाह मैं करूंगा तो अल्लाह ताला तो देख रहा है। तो एक इंसान को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़ा रहूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह ताला के सामने मैं खड़े कैसे रहूंगा, ये काम करने के बाद, कोई काम करने के बाद मैं अल्लाह के सामने खड़े कैसे रह सकता हूँ? हाँ, मुझे अल्लाह से शर्म आएगी कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए, हया अल्लाह से, ये हाईएस्ट लेवल है हया की। मतलब हया के तीन लेवल्स हमने देखे। कौन तीनों लेवल बताएगा? हाँ बताओ। हया सबसे पहले लोगों से हया। सबसे पहले या सबसे कम दर्जा? सबसे कम दर्जा लोगों से हया, फिर अपने आप से हया, फिर अल्लाह से हया। वेरी गुड माशाल्लाह। और आप दोनों में से कोई बताइए। ओके, बताओ। सबसे नीचे वाला दूसरों से हया, लोगों से। हाँ। लोगों से, और ऊपर उससे ऊपर वाला खुद से हया, और सबसे ऊपर वाला अल्लाह से हया। वेरी गुड माशाल्लाह। तो हया करना, शर्म करना, ये अच्छी चीज है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।